इसका मालिक जो है अभी आया नहीं, ये चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है? खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए चिल्ला रही है। ये सामने से श्रीमान जी देखो लाठी लिए हुए आ रहे हैं। मिला रहा है छड़वा? भाई नहीं मिला ना भी है, बैठो वहीं आएगा अभी। हाँ, आई था। थोड़ी देर बाद क्या बाद में आएगा तो वहीं बैठे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए गन्ना आपका बच पाएगा। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही होंगे, आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। ये देखिए हमारे फूफा जी जो हैं खाद की बोरी जो है लादे हुए खेत को जा रहे हैं। पीछे से जीजी हैं, ये बीच में भी लादे हुए हैं और पीछे भी बांधे हुए हैं। ये खाद बोने जा रहे हैं, काहे में बोएंगे फूफा जी? धान। ये धान में खाद बोएंगे? ये कौन सी है? ये सुपर है। ये सुपर है? पीछे यूरिया। ये पीछे यूरिया है, मिक्सचर करके धान में बोएंगे ताकि काई लग जाए। कितनी है फूफा जी वो पीछे वाली? वो है 15 किलो। वो 15 किलो है? ये 50 किलो? 15। 65 किलो है? कभी 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 कम। ये 65 किलो खाद जो है ये 2 बीघा में फूफा जी बोएंगे, इनका धान बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चल रहे हैं इधर, यहाँ पर बच्चे भी खड़े हुए हैं। नहरिया जो है फूल भरी हुई चल रही, कहीं ना कहीं फूट जाएगी। हम इधर आपको लिए चल रहे हैं सीधे नहर। आप देख रहे हैं भैंस भूखी हुई है, ये इसका मालिक जो है अभी आया नहीं, ये चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है? खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए चिल्ला रही है। ये सामने से श्रीमान जी देखो लाठी लिए हुए आ रहे हैं। इस सांड को भगाने गए थे, देखिए आप हाथ में लठ लिए हुए आ रहे हैं, क्योंकि सांड जो है इनका गन्ना जो है वो खा रहा, निपटा रहा है। लगभग 2 बिस्वा निपटा दिया है। मिला रहा है छड़वा? भाई नहीं मिला ना भी है, बैठो वहीं आएगा अभी। हाँ, आई था। थोड़ी देर बाद क्या बाद में आएगा तो वहीं बैठे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए गन्ना आपका बच पाएगा। इधर आपको हम दिखा रहे हैं, बकरी चल रही नहरिया के ऊपर चल रही, और हम रास्ते रास्ते दोस्तों जा रहे हैं। देखिए आप जो बकरियां हैं ये चल रही हैं, ये बच्चे चरा रहे हैं। ये देखो बकरियां चल रही, ये घास जो है ये किस खेत की जो है निकाल करके फेंक दी गई यहाँ, अब इसमें धान लगाएंगे। ये केले के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छे चल गए हैं। ये देखो केले के पौधे जो लगे हुए हैं अच्छे चल गए हैं। ये जो चरी इसमें लगी है इसको हाथी झूल बोलते हैं। चरी अच्छी होती है, खाने में भी अच्छी होती, पशु इसको चाव से खाते हैं। ये खेत इतना पड़ा हुआ है, इसमें श्रीमान जी कुछ नहीं किया है, वैसे ही पड़ा हुआ है। ये आप हम आपको दिखा रहे हैं, इधर देखिए ये जो है तुरई का पौधा जो है, तुरई का पौधा आप देखेंगे, ये जो है ये तुरई का पौधा फैला हुआ है, काफ़ी कायदे से फैला हुआ है, और इसमें तुरई लगी हुई है। और सब्जी भी जो है भाई साहब को सब्जी लेनी नहीं पड़ती है, हम दिखा भी रहे हैं आपको, तुरई लगी हुई है। ये देखो ये रूंधा हुआ है, ये आप देखेंगे, ये देखो ये जो है तुरई लगी हुई है, इनकी सब्जी बनती है, बढ़िया सी बनती है, अच्छी लगती, लगी हुई है, तो भाई साहब को सब्जी लेनी नहीं पड़ती है। हमारे आप वीडियो को देखेंगे, ब्लॉग को देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अब ये बच्चे जो हैं घर को चलेंगे, अब इनको चाय भी पिलाई जाएगी, ये खुश रहेंगे। चलो भैया हीरो आओ, आओ आओ बेटा, चलते हैं भैया। हाँ भैया आओ, चल रहे हैं भैया, आओ आओ। जय जवान जय किसान अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान हमारे ब्लॉग को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद।